तो सर्दियों के मौसम में नए नए आलू से ये बना हुआ ज़बरदस्त सा ढाबा स्टाइल का आलू मसाला दम एक बार आप मेरी प्रोसेस से ट्राई कीजिएगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और ख़ास बात है कि इसको मैंने गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व किया है, जो सबको बहुत पसंद आता है। और इस रेसिपी में आलूओं को फ्राई करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तब भी एक ख़ास ट्रिक से पूरा ढाबा स्टाइल फ्लेवर लाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये रेसिपी। आप हमेशा बना सकते हैं बिना फ्राई किए हुए एकदम ढाबा स्टाइल मसाला आलू दम बनाने का विधि। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी। नमस्कार, मैं हूँ शुभंकरी और आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सोस फूड कॉर्नर हिंदी में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा और मेरे वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने पहले कहा था, नया आलू का सीजन आ गया है। ये छोटे छोटे नया आलू है, बहुत ही टेस्टी लगता है, रस्टिक सा फ्लेवर आता है। बड़े आलू हैं तो उसको चार भाग में काट के छोटे छोटे साइज से कर ले, पर मैं ये रेसिपी तो नया आलू से ही बनाऊंगी। पर यहाँ एक खास बात शेयर करूँ, कुकर में नहीं उबालना है, कोई सॉस पैन या पतीले में उबाले, पानी थोड़ा सा ऊपर रखे, 15 से 20 मिनट पर ये उबल के तैयार हो जाते हैं, ओवर कुक नहीं होते हैं। तो ये गया हमारा आलू उबलने, बीच में मसाला बना देते हैं। घर में जो बेसिक सा मसाला रहता है, इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, इसको ज़रा सा ग्राइंडर में डाल देंगे। कोई भी ऐसा मसाला नहीं है जो घरों में अवेलेबल नहीं हो। ये है चार मगज के दाने, एक बड़ा चम्मच, और इसमें मैं डालूंगी पॉपी सीड्स या पोस्तदाना, एक बड़ा चम्मच। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसके बदले में आप काजू डाल सकते हैं इसी वक्त 8 से 10। तो एक बार ड्राई ग्राइंडिंग कर दे काजू को भी, गर्म मसाले के साथ ड्राई ग्राइंडिंग कर दे जैसे मैंने मगज और पोस्तदाने को किया। उसके बाद उसमें अदरक, लहसुन, एक बड़ा साइज का टमाटर, एक चम्मच जीरा, एक बड़ा चम्मच धनिया साबुत और सूखे मिर्च डाल देंगे। सारा चीज़ों को इसी स्टेज पर डाल देना है। डाल के ज़रा सा पानी दे के इसको हम कर देंगे ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, बहुत अच्छा सा प्यूरी बन जाएगा। चार मगज और पोस्तो ना हो तो अल्टरनेटिव मैंने बता दिया, तो आप ज़रूर ये बनाइएगा। सारे चीज़ों का बहुत ही आसान सॉल्यूशन होने वाला है रेसिपी में। तब तक हमारा आलू जो है परफेक्टली बन गया है, देखिए ओवर कुक नहीं हुआ है, साबुत दिख रहा है पर पका परफेक्टली है, हल्का सा ठंडा हो जाएगा, छिलके हम रख लेंगे। अब लेंगे कढ़ाई, 6 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ, थोड़े से काली मिर्च डालें, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है, और एक बड़ा साइज़ का ये प्याज था तो इसको पतला पतला मैं डाल दी। बड़ा साइज़ का प्याज ना हो तो 2 या 3 मीडियम साइज़ के प्याज डालें। ज़रा सा नमक डाल के हाई फ्लेम पे इसको पहले 1-2 मिनट भून ले, फिर मीडियम कर के इसको हम ब्राउन करेंगे। क्या है ना, हम कोई भी यहाँ पे क्रीम वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे ना, वो ढाबा स्टाइल कलर और टेस्ट लाने के लिए इसी में से मैं 80 भाग प्याज निकाल के गोल मिर्च के साथ ही इसको थोड़ा सा पानी देके इसको हम ब्लेंड कर देंगे। तो ये है ट्रिक सोस फूड कॉर्नर का मेरा, जिससे हम घर में ही घर के सामान से ही एकदम ढाबा वाला कलर ला सकते। 80 भाग निकालने के बाद जो ज़रा सा बचा उसको ओवर कुक करने से रोकने के लिए पहले आधा कप पानी डाल दें, और पानी भी चाहिए सूखे मसाले के लिए। तो उसी में ही जब पानी उबलने लगे तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच, ज़रा सा हल्दी 1 छोटी चम्मच और 2 तेज़पत्ता डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम मीडियम पे ही रखें। बस 2 मिनट में क्या होगा ना, ये तेल छोड़ देगा, क्योंकि जो सूखे मसाले थे हम पानी डाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो 2 मिनट बाद जब तेल साइड से छोड़ दे, इसमें हम डालेंगे जो मसाला पेस्ट हम बनाए थे। इसमें सब चीज़ है, अदरक है, लहसुन है, खड़े गरम मसाले हैं, टमाटर है, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मिला लें। आपको इस स्टेज पे तेल कम लगेगा, तेल ना डालें, फ्लेम लो करके ढक के छोड़ दे 4 से 5 मिनट। 4-5 मिनट बाद जो टमाटर हम डाले थे ना, उसका मॉइस्चर से ये पकने लगेगा, खुशबू अच्छा आने लगेगा। अब 4-5 मिनट बाद आंच थोड़ा सा हाई करें और ज़रा सा भूनना स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा तेल रिलीज होगा, क्योंकि ज़्यादा तो अभी इसमें हम डाले नहीं थे, बाकी कब में हम प्याज तल दिए थे उसमें यूज़ हो गया। तो कोई बात नहीं, बाद में ये एडजस्ट हो जाएगा। जब ज़रा सा भुन जाए, उसमें उबले हुआ आलू, थोड़ा कटा हुआ हरा मिर्च, ज़रा नमक डाल के अच्छे से फ्लेम मीडियम हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट भून ले। जब ज़रा सा आलू को इस तरह से मसाला में लपेट जाए, भून ले आप, तब हम डालेंगे भुना हुआ प्याज का पेस्ट। तो जो आपका तेल का कमी था ना इस रेसिपी में, अब पूरा हो जाएगा, क्योंकि प्याजों में तेल था। आधा कप में पानी डाल दी हूँ, सब चीज़ को मिला ली हूँ। अब कर दे फ्लेम लो, ढक दें और छोड़ दे लगभग 7 से 8 मिनट।
प्याज वगैरह भुना हुआ तेल, टमाटर, सारे मसाले, और अब ये अच्छे से तेल साइड से छोड़ने लगेगा। देखिए सारा चीज़ इसमें मिक्स हो गया है। नमक हम डाले थे, ज़रा सा मिला ले। अगर आप टिफ़िन वगैरह में लेना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप नमक टेस्ट करके ज़रा सा धनिया पत्ता डाल के आप ले सकते हैं टिफ़िन वगैरह में, या फिर कोई और रेसिपी के लिए। देखिए तेज पत्ता मैं निकाल दी हूँ। गरम मसाला वगैरह कुछ ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ इसमें है। पर क्योंकि हम ढाबा स्टाइल मसाला ग्रेवी बना रहे हैं तो ज़रा सा इसको मैं ड्राई करूँगी ताकि अच्छे से इसका कलर उभर के आए। देखिए ज़रा सा ड्राई कर दी हूँ, अच्छे से तेल भी साइड से छोड़ लिया है, बहुत ही यम और टेस्टी लग रहा है। तो अब इसमें जाएगा गरम पानी, वो भी इतना कि बस आलूओं के 2 इंच ऊपर रहे, ज़्यादा ना डाले। अब गरम पानी डाल के मिला ले, और ज़रा सा इसमें अभी जाएगा धनिया पत्ती, जाएगा नमक ग्रेवी के हिसाब से आप एडजस्ट कर ले। और अभी इसको फ्लेम कर देंगे एकदम लो, और ढक के छोड़ देंगे हम अगले 7 से 8 मिनट, ताकि अच्छे से जो तरी है ना वो बन जाए, तेल ऊपर आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कम पानी डालने की वजह से तेल ऊपर नहीं आता, अगर आपका ऐसा हो तो ज़रा सा गर्म पानी आप और डाल दें। पर मेरा जो ये परफेक्ट बना है, आप देख पा रहे होंगे क्या ज़बरदस्त बना है, तरी एकदम ऊपर आ गया है। गैस अभी कर दे बंद, क्योंकि और 7-8 मिनट के बाद जब मैं सर्व करूँगी तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और जैसे मैंने बोला था जब मैं इसको सर्व की हूँ ये पूरा परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बन चुका है, एकदम लटपटा सा बना है। और आप टेक्सचर देख के समझ पा रहे होंगे क्या ज़बरदस्त ये बना है। गरम गरम चावल के साथ ज़रा सा कटे हुए प्याज, नींबू और धनिया के साथ इसको आप सर्व कीजिए, मज़ा ना आ जाए तो आप बोलिएगा। एक बार आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ढाबा का आप याद आपको घर बैठे ही आ जाएगा। तो अब समय है कमेंट ऑफ द डे का। आज का जो कमेंट है वो है सरिता दास का, वो लिखती हैं, आई एम स्पीचलेस लिटरली, नेवर थॉट दिस सिंपल रेसिपीज कैन बी मेड सो डिफरेंटली, ऑल्सो टू मैंशन नॉट दोज रिपीटेड सेम ओल्ड रेसिपीज ऑल ओवर द यूट्यूब चैनल्स, क्यूडोज फॉर दैट, थैंक यू सो मच। वाओ, थैंक यू सो मच सरिता जी। एक्चुअली ये कमेंट मुझे बहुत पहले ही मैं पढ़ी थी, पर मुझे ये इतना अच्छा लगा था, मुझे लगा था कि बाद में कभी मैं इसको पोस्ट करूँगी, फिर मैं इसको धीरे धीरे नहीं पोस्ट कर पाई, पर फिर मुझे याद आया। तो आई एम सो ग्लैड कि आपने इतना अच्छा कमेंट किया है, खास इसलिए कि आपने मेरे एफर्ट्स को नोटिस किया। इन्होंने दिवाली थाली वाले रेसिपीज़ पे कमेंट किया है, और उसमें ना मैं घर में जितने भी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उससे एक बहुत ही सुंदर दिवाली थाली बनाई थी। सो सो ग्लैड कि आपको अच्छा लगा। मेरा ये जो रेसिपी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसका मकसद ही वही था कि सिंपल चीज़ें जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में हो उसको हम कैसे सब्स्टिट्यूट करके नया नया अलग अलग चीज़ें बन सकता है, बना सकती हूँ, वो चीज़ मैं आप तक पहुँचाऊँ। जैसे कि इस रेसिपी में है, मैंने कोई क्रीम वगैरह नहीं डाला है, आलू को फ्राई नहीं किया है, तब भी ढाबा वाला फ्लेवर लाने की कोशिश की हूँ। तो वो मेरा एफर्ट को आप इतना सराहे, थैंक यू सो मच, आपने नोटिस किया। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। और ये जो आज का रेसिपी है, ढाबा स्टाइल ज़बरदस्त आलू मसाला करी बिना फ्राई किए हुए आलू को, मैं बार बार ये चीज़ पे फोकस करती हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि उसको बिना फ्राई हुए किए हम टेस्ट लाए हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर कीजिएगा, चाहे तो सोज फूड कॉर्नर हिंदी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग।